नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट फटाफट। चार आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे ने दिल्ली पुलिस की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आतंकी गतिविधियों से डरने की जरूरत नहीं है। पटना ब्लास्ट के बाद मोदी की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अजमेर से चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। जो डेलीगेशन आ गया था हमारे पास बीजेपी का, उनको भी बोला कि बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, हम पूरा इंतज़ाम किए हुए हैं, बीजेपी के हो या चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो या चाहे बीएसपी के हो या कांग्रेस के हो, जिनको जिनको थ्रेट है उनको हमने काफ़ी सिक्योरिटी दे दी है। और बिहार के बाद, बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है इंसिडेंट से, मोदी को कोई डर नहीं है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दिवंगत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के 104वें जन्मदिवस के मौके पर लखनऊ में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दो सीटों से चुनाव लड़ने का की बात उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला होगा। महास्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के महान समाजवादी नेता असली ताकत है। पीछे लोग पश्चिम बंगाल में कौन है नंबर एक और यहाँ कौन है? समाजवादी पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। जदयू नेता साबिर अली ने केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल की जमकर आलोचना की। साबिर अली का कहना है कि चांदनी चौक की जनता से कपिल सिब्बल पिछले 10 सालों से सिर्फ वादे ही करते आ रहे हैं। जदयू नेता ने कहा कि कपिल सिब्बल जैसा नेता सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं और जनता से झूठे वादे करके वापस चले जाते हैं। 10 साल तबला बजा रहे थे क्या? ढोल का दुकान खोल के रखा था? ये लोग बयानबाजी में मास्टर हैं और ये समझते हैं, यही पूरे दुनिया की सियासत को समझते हैं और होशियार लोग हैं। कपिल सिब्बल 10 साल तक तीन तीन चार चार मंत्रालय रहा, कानून मंत्री रहा और मुसलमानों के वोट से जीत कर जाते रहे। 341 सिर्फ रिप्लाई देना है कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में, 10 साल में रिप्लाई तक नहीं दिया और जितने कानून आए पार्लियामेंट के अंदर किसी को नाफिज नहीं है। जब सत्ता में रहते हैं तो मुसलमानों से घृणा करते हैं। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रत्याशी पंडित सिंह पर संगीन आरोप लगाया। कहा कि पंडित सिंह ने अपने पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को धमका रहे हैं, तो वहीं बृजभूषण ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मोदी को हराने की बात मुलायम करते हैं तो वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने योग महोत्सव में बाबा रामदेव के साथ रामलीला मैदान में मंच साझा किया, तो वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय काले धन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए अपनी शहादत दी। 100% मतदान करना है सही दिशा में देश। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए आतंकी रहमान और उसके 3 साथियों को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और टाइमर बरामद किया गया। आपको बता दें कि रहमान पाकिस्तान के मूल रूप का रहने वाला है और ISI की मदद से भारत में कई बम धमाकों को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तानी नेशनल है साकिब अंसारी अलियास खालिद को जोधपुर से पकड़ा और उनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल, डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टाइमर आदि मिले। इनका टारगेट था टेररिस्ट स्ट्राइक करने का। एनी इंपॉर्टेंट इवेंट इंक्लूडिंग इलेक्शंस कुड बी टारगेटेड। लोकसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। दरअसल कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील की। परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। बस्ती बस्ती में ये माहौल बनाया जाए। आप इस
सब्जी ले आए। मऊ के सोनी धापा मैदान में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार से आए बाबा रामदेव के सहयोगी महेश नारायण ने नागरिकों को सेहत सही रखने के लिए योगा करने का ढंग बताया, तो वहीं योग शिविर में दूर दूर से आए हजारों लोगों ने शिरकत की। न्यूज नाइट फटाफट में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।